आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरु प्रीत सिंह गोगी कुलवंशी सिद्धू के समर्थन में ZNPS सराभा नगर में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। उम्मीदवारों ने कहा कि अगर पार्टी पंजाब में सत्ता में आती है तो ड्रग्स सिंडिकेट का सफाया कर देगी और सुनिश्चित करेगी कि राज्य स्वच्छ और भ्रष्टाचार से मुक्त हो। उन्होंने यह भी कहा कि बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से पंजाब समृद्ध और आधुनिक बनेगा। इस अवसर पर बोलते हुए सुरेंद्र सिंह रियायत ने पार्टी में घोषणा पत्र को दोहराया और कहा कि बदलाव लाने के लिए एक साथ रहने का समय आ गया है। उन्होंने सभी से पार्टी को तहे दिल से समर्थन करने की अपील की। लुधियाना से अजय पाहवा की रिपोर्ट। बिल्कुल जी, मैं सब तो पहला था तुम सारे प्यार भरी सत श्रीकाल। अज बहुत बड़ा खुशी का दिन है कि जदों लुधियाना नहीं पंजाब नहीं पूरे हिंदुस्तान दे परिवार जिन्हों का गुरु नानक पब्लिक स्कूल भी है GVS ऑटो कर मशहूर है उन्होंने परिवार के इस समय के मुखी सरदार सुरेंद्र सिंह जी रियायत जिहड़े इस स्कूल के सैकटरी भी ने उन्होंने अज आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके पूरे पंजाब आम आदमी पार्टी ने समर्थन का ऐलान किया। मैं दिल दियां गहराइयां तो सुरेंद्र सिंह इन्होंने समुची टीम का धन्यवाद करदा। इन्होंने आने नाल जिथे पार्टी आत्म निर्भरता मजबूत हुई हुई है क्योंकि ये रामगढ़िया भाईचारे को नुमाइंदगी करते हैं तो ये परिवार रामगढ़िया परिवारों के बीचों शिरगढ़ परिवारों में एक है। आत्म निर्भरता मजबूत हुई हुई है। मैं इन्ना कहूँगा भी समुचे पंजाब इन्होंने एंट्री नाल जो है आम आदमी पार्टी मजबूत हुई है। बहुत वही कम्यूनिटी है इन्होंने आने हरेक कंस्टिटुएंसी के जोड़े साढ़े कैंडीडेट ने उन्होंने गेन मिले देखो यह इन्होंने बुखलाहट का नतीजा ये हरेक इन्होंने सिद्धू साहब कदे किसी के अगे उन्होंने बहुत सत्कार पंडित भाईचारे के खिलाफ बोलिया अज चन्नी जी उठ के बोलने लग गए इन्हों की बुखलाहट का नतीजा। तो मैं चन्नी जी थोड़ा ये कहना चाहना अगर प्रवासी पंजाब चले गए हाँ अजा तुम दुध कॉफी चुस्की लै लिया पीने तो शहर थोड़ा दुध भी पीने नहीं मिलेगा थोड़िया जिड़िया साड़िया भैन ने यह सब्जी तो बैठे रहनगिया। तो मैं थोड़ा यही बेनती करना भी प्रवासी भाईचारे के खिलाफ किसी कम्यूनिटी के खिलाफ तुम्हें बोलना बंद कर दो। थोड़ी हार तो है भी है ये थोड़ी जी जी थोड़ी जमा ही माड़ी मोटी इज्जत है वो भी नहीं बचनी इन्होंने लोगों ने थोड़ी मंजी टका के ठोकनी।